सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर भी बोल ही नहीं रहे राहुल। हाँ एक मिनट, वो माइक मेरा ऑन था, आप था, अब आ रही है? हाँ जी सर आ अभी आ रही। रही है। चले चले वो माइक आपकी से। तो ये तीन चार आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने थे। डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, क्यू को हम यूजुअली क्यू से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू व्हिच इज द फ्लो रेट divided by area and multiplied by time. ठीक है, तो ये flux यहाँ से Q से define होता है। Q flux है, delta s small surface area है, delta t small time है, t time है, x आपका vector है, x coordinate है। So the flow of a certain physical quantity such as mass, energy, whatever that may be, the flux is due by Q of this flow is defined as the vector in the direction of the flow whose length is given by the amount of the quantity crossing the unit area normal to the flow in the unit time. Q is the quantity of the flowing excuse me sir flow ya whatever. haan ji sir ye attendee bana de, koi remove kar rahe baar baar attendee bana do yaar adnan isse ye rizwan hai na rizwan ko attendee jaldi jaldi bana do sab ha sab ko bana do attendee 14 ho gayi to स्मॉल क्यू आप फ्लक्स से डिनोट कर रहे हो, कैपिटल क्यू वो क्वांटिटी दैट जो कि फ्लो हो रही है, वो हीट है या फ्लो है वट एवर दैट मे बी, क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लो। तो ये आपका एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट आपका एक लॉ ऑफ बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो भी आई डू होप कि आपने देख लिया होगा। बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस सरफेस एरिया है। ये फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स है क्वांटिटी ऑफ द फ्लो थ्रू नॉर्मल टू द सरफेस एरिया डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी क्वांटिटी फ्लो करती है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा का बेसिक लॉ थर्मोडायनामिक्स है, क्यू इज इक्वल टू सी एम यू, और स्मॉल इसके लिए करते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा यू। यू आपका यहाँ हम इसे टेम्परेचर कह रहे हैं, क्यू हमें अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा स्मॉल के लिए यूज होता है द चेंज आर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, मास एम इज अकंपनीड बाय द चेंज डेल्टा यू इन इट्स इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस ये बेसिक लॉ थर्मोडायनामिक्स आपको रिलेशन देता है रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द फ्लो एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन क्यू और यू का आपस में रिलेशन है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। फाइन, इसको हम यूज करेंगे। तीसरा लॉ आपका फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन रिलेशन देता है फ्लक्स का और टेम्परेचर का। बेसिक लॉ थर्मोडायनामिक्स आपका फ्लो का क्वांटिटी ऑफ फ्लो और टेम्परेचर का रिलेशन देगा, ये आपका फ्लक्स और टेम्परेचर का रिलेशन देता है। फ्लक्स हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, माइनस केपा ग्रेड ऑफ यू। ठीक है, यू यू वेक्टर नहीं स्केलर, टेम्परेचर स्केलर होगा, ग्रेडियंट की वजह से वेक्टर होगा, फाइन, विच मे बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। सो ये केपा आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, नेगेटिव आपको असाइन करना पड़ता है कि टेम्परेचर हमेशा हायर
टेम्परेचर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर से मूव करता है टुवर्ड जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए भी है। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर, वेयर के इज थर्मल कंडक्टिविटी। एंड फोर्थ लॉ आपका जो है लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें आपने यही देखना है कि आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है, कि अगर हम एक रॉड के अंदर फ्लो देखेंगे हीट का, तो जितना एक तरफ से हम हीट करेंगे या फ्लो इन करेंगे उतना ही फ्लो आउट होगा। फाइन, तो इसकी स्टेटमेंट इधर इसने कहीं लिखी है, रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट इन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग इन माइनस द रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग आउट। ठीक है, तो अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट इन हीट को डी क्यू बाई डी टी से करेंगे, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स इन माइनस फ्लक्स आउट। तो फ्लक्स इनटू सरफेस एरिया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी। तो वर्ल्ड स्टेटमेंट में लिखी है द रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड डी क्यू बाई डी टी इज इन ए बॉडी ई मस्ट इक्वल द रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग इन, ये आपकी हीट फ्लो इन है ये साइड, तो ये आपकी हीट फ्लो आउट है, दोनों का डिफरेंस विल गिव यू रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग बॉडी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन बेसिक कंसेप्ट को, और हम वेरिएबल कुछ डिफाइन करेंगे, यकीनन हमने एक फ्लक्स डिफाइन किया है, एक क्वांटिटी या फ्लो कैपिटल क्यू डिफाइन किया हुआ है, एक टाइम डिफाइन किया हुआ है, एक स्पेस वेरिएबल एक्स जो कि लेंथ होगी रॉड की वो डिफाइन किया, डेल्टा स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन किया हुआ है, यू आपने टेम्परेचर डिफाइन किया, सी आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, एम आपका मैस है, के आपकी सी स्पेसिफिक हीट है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, तो ये सारे वेरिएबल, ए आपका सरफेस एरिया है, इन सारे वेरिएबल का विद हेल्प ऑफ दीज हम अंडर सम अजम्पशंस और अप्रोक्सीमेशन हम कनेक्ट करेंगे एंड द फाइनल फॉर्म ऑफ दैट विल बी अवर वन डायमेंशनल हीट। अब हम चलते हैं टुवर्ड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस हीट इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे मॉडलिंग का जो पार्ट होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वी आर इंटरेस्टेड टू डिराइव ए मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन सम रॉड दैट मे बी फंक्शन ऑफ द पोजीशन दैट मे बी फंक्शन ऑफ द टाइम। ठीक है, एक रॉड के अंदर हीट फ्लो हो रही है, जिस तरह सर्कुलर रॉड है, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर फॉर्म लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, जिस टाइप की आपके पास ज्योमेट्री होगी वही कोऑर्डिनेट यूज करने हैं। फाइन, तो हमारा फोकस हीट इक्वेशन मॉडल करना है, ऑब्जेक्टिव ये होगा। एक इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमारा फोकस था वेव इक्वेशन मॉडल करना, उससे पहले शायद हमारा फोकस था कंटिन्यूटी इक्वेशन मॉडल करना। इस तरह जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई करने और रेलिवेंट लॉ को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ एक थोड़ी छोटी सी फिगर बना के देखते हैं कि हमने कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप के एक रॉड कंसिडर करना है, अच्छी तो नहीं बनेंगी, बरहाल चले इस तरह का कुछ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाइट इनटू विड्थ विल गिव यू एरिया, तो ये आपकी लेंथ होगी इस रॉड की, दैट इज एल, यहाँ से यहाँ तक इसकी बैक वाले साइड अगर हम डॉटेड बना दें तो खूबसूरत लगेगा। सो वी आर कंसीडरिंग ए रॉड इन विच द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी अगर प्लॉट करना चाहें तो यूजुअली
इधर एक्स लेते हैं, इधर वाई लेते हैं, या रीजनल तय है ये जी लेते हैं, मीन दैट कि ये लेंथ जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया है, इधर एक्स आपका वेरी कर रहा है, इधर आपका वाई वेरी कर रहा है, ये आपका जो जी है विड्थ आपकी, इधर आपका जी वेरी कर रहा है। तो लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, हाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस है, विड्थ अलॉन्ग जी एक्सिस है, फाइन, थ्री डी फिगर है। तो हम इस फिगर को सामने रखते हुए कुछ अजम्पशंस यहाँ या अप्रॉक्सीमेशंस, अजम्पशन लिखते हैं एक ही बात है, कंडीशन हम इस पे अप्रॉक्सीमेशन क्या लगाने जा रहे हैं, क्या आइडियलाइजेशन इम्पोज करने जा रहे हैं, जाहिर है हम सिंपल फॉर्म में सिंपलेस्ट मॉडल मॉडल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास यह है, ये मटेरियल किसी फिजिकल थिंग मटेरियल चीज का ये रॉड बना हुआ है, तो डेफिनेटली हमें ये पता है डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेरी कर रही होती है। मसलन डेंसिटी है, डेंसिटी आप आयरन लेंगे इसका और डेंसिटी होगी, रबर ले लेंगे कुछ और होगा, गोल्ड ले लेंगे उसकी डेंसिटी कुछ वेरी कर जाएगी। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि अवर रॉड इज ए होमोजीनियस, इट मीन दैट इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल वट एवर दैट मे बी। तो फर्स्ट अजम्पशन इज दैट रॉड इज होमोजीनियस। होमोजीनियस से ये होगा, होमोजीनियस आपको ये बताएगा कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के, दे आर कांस्टेंट, फाइन। अगर ये हम होमोजीनियस एग्जांपल नहीं लगाते तो डेफिनेटली ये तीन चीज़ें एटलीस्ट पोजीशन का फंक्शन होंगी, डेंसिटी भी आपकी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, और कैपेसिटी भी उसकी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर लेगी। सी क्या चीज़ है, सी थर्मल, के थर्मल कंडक्टिविटी है, सी क्या है, सी को सी किस सी द स्पेसिफिक हीट, सी द स्पेसिफिक हीट। अब दरमान तुम्हें कौन रिमूव कर देता है, अब्दुर्रहमान अदनान से सर ये बार बार रिमूव कर रहे हैं सर, तीन से चार दफा रिमूव कर चुके हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये है जो बच्चे अभी प्रेजेंटर में है ना, वही रिमूव कर सकते हैं, इन सबको आप बना दो ना, हमारे बना दिए मुझे भी ट्रेंडी बना दिया सर, तो काफी। हाँ तो ये अपने ही में से होता है ना, चोरी हमेशा घर का बंदा करता है, बाहर का बंदा चोरी नहीं कर सकता, याद रखें, ट्रेंडी बना दो। तो जो सिर्फ सी आर जी आर प्रेजेंटर में रहेंगे तो वो तो फिर नहीं कर सकेंगे, पॉइंट आउट हो जाएंगे। कुछ आप बनाओ, कुछ मैं बनाता हूँ, ना रह बच गई है। जो बच्चे एक दफा डांस इन हो गए, हाँ तो फिर ये जो है अब 30 अटेंडी हो गए ना, अटेंडी तो को तो नहीं रिमूव कर सकते आप, अब्दुर्रहमान आप अटेंडी में चले गए हो, अदनान को भी अटेंडी बना दिया सर, ये अब्दुर्रहमान नहीं, ये मोहम्मद रिजवान है सर जो बात कर रहा था। अच्छा रिजवान है जी सर, मैं तुम्हें वो प्रेजेंटर बनाता हूँ ना, अदनान ठीक है सर। फिर जो भी नया बच्चा आता है, प्रेजेंटर ही किसी को रिमूव कर सकता है, अटेंडी तो नहीं कर सकता। तो अब आप ला रैप रहेगी ये जी आर आर अदनान, जो नया बच्चा आता है ऐसे आप बना दो अटेंडी, पहले वो इन होगा फिर किसी दूसरे को वो रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो हम में से ही है, बाहर से नहीं है, ये याद रखें, ये राबिया वहीद आ गई है, इसको अटेंडी बना दो।
सर अपना माइक ऑन कर लें। आवाज आ रही है अब? ठीक है। यस सर। हाँ तो थर्ड सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि हाँ जी तो ये इधर प्रोटोटाइप मॉडल लिखा हुआ, ये क्या है? प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ये होता है ना स्मॉल स्केल पे जो होता है, लेबोरेटरी बेस पे होता है कि हमने फॉर एग्जांपल JF-17 थंडर बनाया तो पहले जाके हमें उधर तो नहीं बनाना फैक्ट्री में बड़ा जहाज, पहले छोटा सा बनाया जैसे रिमोट से उड़ाया है। तो वो जो स्मॉल स्केल पे होता है एक्सपेरिमेंटल बेस पे छोटे साइज का, तो उसे प्रोटोटाइप कहते हैं रफली। हम मैं ये कह रहा हूँ समझ आई है कि एक्सपेरिमेंटल बेस पे आप छोटी चीज स्केल पे बना, उस पर खर्चा कम आएगा, एफर्ट्स कम लगेंगी, टाइम कम लगेगा, जहर आपका तो वो अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। तो स्मॉल स्केल जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसे प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं। फाइन, ठीक है। अच्छा दूसरा टेम्परेचर वाली केस की डायमेंशन हम ये कह रहे हैं टेम्परेचर इसका हीट करने से इसकी लेंथ हाइट विड्थ में चेंजेस नहीं आएंगी, तो ड्रॉट रिमेंस कांस्टेंट स्पाइट ऑफ इट्स चेंज, इसकी पर्टिकुलर लेंथ नहीं बढ़ेगी तो हाइट भी नहीं बढ़ेगी, तो एरिया भी वही कांस्टेंट रहेगा हम टेम्परेचर से देंगे। थर्ड है कि आपका जब ज़्यादा टेम्परेचर है तो फ्लो करेंगे तो टेम्परेचर आपका सरफेस से बाहर भी जाएगा, इन भी हो सकता है, हीटेड होगा तो वहाँ से निकल के बाहर जाएगा और अगर कोल्ड होगा तो बाहर का टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो लेटरल सरफेस है, चार लेटर सर लेफ्ट राइट को छोड़ दें, टॉप बॉटम फ्रंट बैक, ये चार जो फेसेस हैं इस फिगर को देखें तो सिक्स फेसेस बनते हैं, लेफ्ट दूसरा राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट को छोड़ दे जो इसके अलावा चार फ्रंट बैक टॉप बॉटम है, ये लेटरल फेसेस है, ये इंसुलेटेड है। तो इंसुलेशन जहाँ की जाती है वहाँ से टेम्परेचर का फ्लो ऑलमोस्ट टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा फ्राम दी, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गर्म करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड और सामने नहीं मूव करेगी, लॉन्ग वाई एक्सिस लॉन्ग जी एक्सिस यूनिफॉर्म रहेगी। समझ आई है? सो रॉड इज परफेक्टली इंसुलेटेड। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन ये है जब परफेक्टली इंसुलेटेड होगा तो अगर हम टेम्परेचर को यू से डिनोट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी फंक्शन लेंथ एंड टाइम, तो टेम्परेचर की वेरिएशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी, अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग जी नहीं आएगी। इंसुलेशन आप ख़त्म कर देंगे तो आपका उन डायरेक्शन में भी चेंज आ सकती है। फोर्थ है कि हीट, अब हीट का फ्लो हम लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, दूसरे फेसेस तो इंसुलेटेड है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हमें ये पता है कि फिजिकल क्वांटिटी इनकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, इधर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर डिक्री, इधर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज आर नेगेटिव इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। जिस तरह ग्रेविटी है, ग्रेविटी को आप ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, डाउन नॉट पॉजिटिव होती है, ठीक है, उसका ऑलवेज यहाँ से इधर वो जी लिया जाता है। तो यहाँ हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ यू को पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे। पॉइंट तो ये हम अज्यूम करेंगे कवर फ्लो ऑफ हीट इज in the rod from taking place in the rod from left to right, heat flow in rod from left to right, थर्ड अजम्पशन आपको इन द फोर्थ पता चल गया कि आपका फ्लो फ्रॉम टेकिंग इज प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइन, तो यही चार अजम्पशन हैं, इनको लेके हम मैथमेटिकल मॉडल, अब इसमें से पूरे मॉडल हम तो ज़ाहिर है पूरा रॉड की लेंथ को नहीं, हम स्मॉल उसमें से पोर्शन उठा लेंगे, ये पॉइंट से एक्स है, ये आपका एक्स प्लस
डेल्टा एक्स है, ये स्मॉल पैच हम इसमें करेंगे। तो हमने यहाँ इसका मैस डिफाइन करना है, इसका वॉल्यूम डिफाइन करना है, इस तरह की क्वांटिटी। सो इफ वी कंसिडर स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस रॉड, हम 2D, अब 3D फिगर नहीं 2D फिगर लगाएंगे, ये प्लॉट की है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन से फ्लो इन हो रहा है या हीट इधर से इधर मूव कर रही है। तो यहाँ से अब हीट फ्लो इन क्या होगी, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। हीट फ्लो आउट क्या होगी, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। ए द एरिया लेंथ, ये 3D चीज है, तो ये एरिया हाइट और विड्थ को एरिया के बराबर है। तो यहाँ आपका फ्लक्स होगा एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एट प्लस डेल्टा एक्स। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट इफ आई डिनोट बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विल गिव यू द वॉल्यूम, वेयर ए द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट एंड mass of this small element is denoted by delta m, it is equal to density into volume. Volume की value उठा के आप इस equation के अंदर del m के अंदर put करते हैं, rho into a into delta x, आपको ये एक equation मिल रही है, ठीक है। So the amount of heat in the element at any time is denoted Q is equal to by using the previously stated laws, the amount of heat in the element at any time t is Q, which is Q is equal to CMU. ये हमने पहले लास्ट स्टेट किया हुआ। अब इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एम की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें, सी इंटू रो ए डेल्टा एक्स इंटू पार्श सॉरी यू एक्स कमा डी, this is your second expression. So hum interested kya hain, hum amount of heat in element mein interested nahi hai, hum iske rate mein ki yahan se in kitna ho raha hai out kitna ho raha hai, to rate of change hum is q ka calculate karna chahte hain. Therefore rate of change is definitely dq by dt and right side pe iska c rho a delta x ye sare ke sare constant hai, sirf u ka derivative aayega और u is not function of more than one variable, तो आपको partial derivative लेना पड़ेगा। इधर लें या न लें कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चल के दूसरी equation में भी इसी तरह का, जिस तरह left side पे equation 3 के अंदर expression है, एक और equation में भी इसी तरह expression आएगा, उनको just हमने equate करना है। ये आपके equation number 3 हो गया। तो 3 equation आपकी एक major equation जो कि rate of change of amount flowing in this element is given by the expression on the right hand side. Moving toward the next slide. Next slide में क्या है कि heat हमने figure में भी देखी थी, heat flowing in was Q flux multiplied by the surface area and heat flowing out was the flux calculated at the point x comma x plus delta x comma a. Yeah. तो यहाँ अब आपने एनर्जी कंजर्वेशन यूज करनी है बाय द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि हमने इसकी लेटर सरफेस को इंसुलेट किया और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब है जितना एनर्जी फ्लो इन हो रही है उतनी आउट हो रही है। इट मीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डी क्यू बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू हीट इज फ्लोइंग इन माइनस हीट इज फ्लोइंग आउट। इसकी स्टेटमेंट, वर्ड की स्टेटमेंट इसने लिखी है, अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ
चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट उसने नहीं लिखा हुआ, देख भी देता भी कोई फर्क अमाउंट ऑफ हीट इक्वल द रेट एट सर आप फिर ये रिमूव कर रहे हैं वी विच यार सी आर को कहो ना हीट इज मैं सर सी आर या प्रेजेंटर सी आर ही है ना सी आर सर अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो वो स्टूडेंट कोई ज्वाइन करके लीव कर जाता ज्वाइन करके वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है वो देख लो ना आपकी क्लास का स्टूडेंट है तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा फिर क्लास ही नहीं पढ़ सकेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा सर मैं चेक कर रहा हूँ जो स्टूडेंट आया मैंने देख लो ना बात सम टाइम गलती से भी हो जाता है थोड़ा सा हमने एक अच्छे सोच से भी देखना है सम टाइम किसी से गलती भी हो जाती है मुझसे भी हो जाती है ना मैं क्लिक कहीं करना चाहता हूँ क्लिक कहीं हो जाता है तो उसको भी देखना है तो गलती से भी हो जाता है इस चीज़ को माइंड में रखें हमें गुस्सा नहीं करना खैर लेकिन बार बार अगर वो बंदा रिपीट कर रहा है तो फिर उसका थोड़ा सा देख लेंगे ठीक है उमेर सर दी रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ इन अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग इन इन में जरिए लिख देता हूँ माइनस रेट एट विच हीट इज आउट अगर इस चीज को आप कन्वर्ट करते हैं ये वर्ड स्टेटमेंट है तो यहां तक जो लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट दैट इज डिनोटेड बाय डी क्यू बाय डी टी दिस इज इक्वल टू ये अब ये पार्ट है रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग इन दिस इज इक्वल टू क्यू एक्स कॉमा टी इन टू ए ये पार्ट हो गया जिसमें लाइन किया माइनस अपनी जगह ये आ गया रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग आउट तो हीट ऑफ फ्लोइंग आउट को हमने एक फ्लक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मटी इंटू ए से डिनोट किया हुआ तो ये आपका एक और एक्सप्रेशन आ गया है जो कि रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है दैट इज डिनोट बाय डी क्यू बाय डी इससे प्रीवियस भी हमने यही इसी तरह के एक एक्सप्रेशन लिखा था अब ये दो mathematics wala ko ye if we compare equation 3 and 2 as the left hand side of equation 3 is same as that right hand side as the left hand side of equation 4 left hand side of 3 is same as left hand side of 4 it mean that dq of 3 must be equal to dq of 4 to dq of 3 ye hai ye equation 3 ka hai dq aur ye aapka equation 4 ka dq by dt hai to dono ki jo value hai utha ke aapne is idhar isme 5 mein 5 keh le ya chale 5 keh de isme substitute so using equation 3 and 4 and 5 using equation 3 and 4 into 5 to 4 ke andar jo aapke paas 3 ke andar expression ban raha tha dq by dt that was c rho a delta x partial u by partial t whereas in 4 ke andar jo expression aapke paas ban raha hai that is equal to a फोर का नाम दे दिया फाइव का फॉर एग्जाम्पल दे दिया अब थ्री फोर को मैंने इधर यूज किया ठीक है आगे चलो अब इन एक्सप्रेशन में से ए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ कैंसल आउट कर देता हूँ ए आपका ये कैंसल आउट हो गया ये एक्सप्रेशन में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ डेरिवेटिव की मैंने डेफिनेशन यूज करनी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा टी माइनस क्यू एक्स टी
और लेफ्ट साइड पे सी रो एज इट इज, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दे पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, तो डेल्टा एक्स आपका लेफ्ट साइड से कैंसिल हो गया, राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन अपीयर। नाउ टेक द लिमिट ऑफ बोथ साइड एज डेल्टा एक्स गोस टू 0 एज लेफ्ट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स, पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट साइड पे लिखने की हमें जरूरत है। अब डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है उसको यूज करेंगे, दिस विल गिव यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ क्यू, फाइन ये आपके लिए नंबर 6 होगी। सो सी रो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। नाउ यहां अब क्यू की वैल्यू जो कि फ्लक्स है हमने डिफाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फोरियर लॉ यूज करनी है, तो बाय फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन I know that Q of XT is equal to minus kappa या K कह दें, ग्रेड ऑफ होता है U, अब आप वन डायमेंशन में लिहाजा पार्शियल U by partial X के बराबर होगा, ग्रेडियंट ऑफ U अगर है स्केलर है तो हमें ये पता है phi, if phi is scalar then grade of phi is equal to d phi by dx या partial phi by partial x हम लिखेंगे। partial derivative में हमने इसलिए लिखा है कि u is a function of more than one variable, एक space variable का है और दूसरा time के, हमें partial derivative लिखना पड़ेगा। अब इस equation को आपने use करना है into 6, so using equation 7 into 6, तो आपको मिलेगा C rho partial u by partial t minus k as it is partial by partial x, q की वैल्यू minus k या kappa partial u by partial x, माइनस माइनस दो दफ़ा मल्टीप्लाई होता है प्लस बन जाता है। के बीइंग कांस्टेंट हमने शुरू में कहा था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज ए कांस्टेंट, इट मीन दैट इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द पोजीशन, नहीं है तो हम इसे बाहर लेके आ सकते हैं, आप ये सेपरेटर की तरह ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेटिंग The second derivative of U. अब इस चीज़ को यहाँ डिवाइड कर दो रो से, इधर भी छोड़ दें वैलेंट गुण नहीं, तो हमें ये पता है कि थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वे से लिखना ज़्यादा मुनासिब होता है, खूबसूरत लगता है हमें, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी गिवन है पे पेज 35 पे हूँ मैं, ये इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 11 है पेज नंबर 35 पे, सो दिस इज नोन एज द वन डायमेंशन हीट इक्वेशन और वन डायमेंशन डिफ्यूजन इक्वेशन। डायमेंशन इसलिए बन कह रहे हैं कि स्पेस वेरिएबल एक इन्वॉल्व है, स्पेस वेरिएबल दो इन्वॉल्व होंगे तो टू डायमेंशन हो जाएगी, स्पेस वेरिएबल तीन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थ्री डायमेंशन हीट इक्वेशन हो जाएगी। जी यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो, सर प्रीवियस स्लाइड शो कीजिएगा एक सेकंड। ये प्रीवियस स्लाइड है, सर जो रॉड हमने कंसीडर किया था वो तो हमारे पास थ्री डायमेंशन में था ना, तो फिर हम इसको वन डायमेंशन क्यों कह रहे हैं? वन इसलिए कह रहे हैं कि जो हमने इंसुलेशन की है फ्लो आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, दूसरी जो डायमेंशन है लॉन्ग वाई एक्सिस लॉन्ग जी एक्सिस यूनिफॉर्म है, हीट कॉन्स्टेंट हीट है, यूनिफॉर्म है, तो उधर वेरिएशन नहीं आ रही, समझ आइए। आगे टू डायमेंशन करेंगे ना, आगे इसकी कंपाउंडिंग में एक एग्जांपल है थ्री या शायद, तो उसमें टू डायमेंशन है कि लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है, फ्रंट टू बैक हो रहा है फॉर एग्जांपल टू डायमेंशन है, तो वहां आपका वाई का फंक्शन भी हो जाएगा, समझ आ रही है कि देखिए जिस तरह पाम ये वाटर सप्लाई आपके घर में आई है ना, पानी पाइप में चल रहा है तो वो वन डी तो नहीं है, लेकिन पानी का पाइप आपका बिल्कुल स्मूथ वो है, कहीं से लीकेज नहीं है, सिर्फ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ पाइप फ्लो हो रहा है ना, तो वो अलॉन्ग जी डायरेक्शन फ्लो होगा, यू वहाँ लास्ट ईयर तो यू इज ओनली फंक्शन ऑफ जी लेंथ ऑफ द पाइप, अदरवाइज तो रेडियस ऑफ द पाइप भी है, रिसीव डायरेक्शन में वो नहीं वेरी कर रहा, फॉर एग्जाम्पल उधर नहीं जा रहा, आर का फंक्शन नहीं है, फाइन।
सारा यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह का उस डायरेक्शन में हमने अजम्पशन के थ्रू स्टॉप किया हुआ है वेरिएशन ऑफ द हीट, हीटेड तो है थ्री डायमेंशन लेकिन वेरिएशन उस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, ये कह लें सेम, जैसा रॉड है तो हीट करते हैं लंबा सरिया ले लेना, तो सरिया ले लें एक कॉर्नर को आप हीट करोगे बच्चे तो दूसरा कॉर्नर जो लेंथ ज्यादा है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, उसका जो रेडियल डायरेक्शन में भी तो वेट्स बढ़ रही है, वेरिएशन है ना रेडियल डायरेक्शन में, तो उसमें सब में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, अदरवाइज तो 1D का नहीं है ना, उसकी कोई रेडियस भी है ना, मोटा भी है, तो उस सेंस में हम यूनिफॉर्म उस डायरेक्शन में ले रहे हैं। जब यूनिफॉर्म नहीं लेंगे फॉर एग्जांपल फ्रंट टू बैक भी मूव कर रही वेरिएशन, तो वो आपका जी का फंक्शन भी हो जाएगा, टेम्परेचर फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी वेरिएशन हो रही है, इस फिगर को दोबारा कर देखो तो फिर जी का फंक्शन भी हो जाएगा, ये थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो 2D आपका मैंने इधर आगे कराई, 3D आप खुद कर सकते, यहाँ भी वेरिएशन होगी, जस्ट ये आपका ये यू फंक्शन है ना, ये यू y का फंक्शन भी हो जाएगा, फ्रंट टू बैक हो रही है तो z का फंक्शन भी हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो 3D में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो हम फर्स्ट टाइम मॉडलिंग कर रहे हैं इंटरक्यूजन की, तो हमने सिंपल मॉडल लिया हुआ है, 2D इसने आगे कराया हुआ है, 3D आप घर पे कर लें या एग्जाम के अंदर हम कर लेंगे, ठीक है। अब आपने कंपाउंडिंग वाली एग्जाम्पल्स खुद करनी है, पेज नंबर 38 पे चले जाएं, 38 में उसने कंपाउंडिंग की 2-3 एग्जाम्पल की है, जो पहली एग्जांपल की है उसमें कंसीडर द प्रोटोटाइप मॉडल या मॉडल टू ए सिचुएशन विच द हीट इज बीइंग जनरेटेड इन द रॉड एट रेट डिनोटेड बाय आर विच मे बी फंक्शन एफ एक्स वी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये कहा कि हीट जनरेशन या अब्जॉर्प्शन हमने नहीं कंसीडर की कि रॉड के अंदर ना हीट जनरेट हो रही है खुद से, कोई भी सोर्स नहीं है ना वहाँ कोई अब्जॉर्व हो रही है, तो इसमें हीट जनरेशन उसने लगाई है कि रॉड के अंदर ऑटोमेटिकली कोई किसी कोई सोर्स पड़ा हुआ जिस वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज आपका ये बदल जाएगा dQ/dt, रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट फॉर विल बी इक्वल टू हीट फ्लोइंग इन माइनस हीट फ्लोइंग आउट प्लस जो जनरेट हो रही है वो इधर ऐड हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये टर्म आपकी आगे ऐड हो जाएगी, ये आपने ऐड कर देनी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में वो अभी जो किसी बच्चे ने सवाल उठाया या शायद आपने ही उठाया कि ये 3D चीज है तो सिर्फ 1D में क्यों रहे, तो अब उसमें आगे प्लेट का प्रॉब्लम लिया हुआ है जिसमें 2 डायरेक्शन में वो मूव कर, इसको अगर मैं 2D में प्लॉट करूं तो इधर से भी हीट इन हो रही इधर आउट हो रही है, इधर से इन हो रही इधर आउट हो रही है, बेसिकली ये भी 3D ही चीज़ है, लेकिन अब हमने इसके फ्लो को सिर्फ ये इधर आपका ये एक्स एक्सिस इधर आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, सिर्फ टॉप वाला और जो बॉटम वाला फेसेस को इंसुलेशन की या दूसरों की इंसुलेशन नहीं की, तो हम लेफ्ट से इन कर सकते हैं राइट से आउट, फ्रंट से इन कर सकते हैं बैक से आउट कर सकते हैं, तो अब ये आपका जस्ट यू विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी, और इनकी इंसुलेशन ऊपर वालों की भी ख़त्म कर दें, यहाँ से टॉप से इन हो सकती है, नहीं बॉटम से इन हो सकती है और टॉप से आउट हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, फाइन, तो आपका यू विल बिकम फंक्शन ऑफ द 3 वेरिएबल कि तीनों डायरेक्शन में हो रही है, तो एक एग्जाम्पल 2 में उसने जस्ट डायमेंशन बढ़ाई हुई है, उसे देख लें, और एग्जाम्पल 3 के अंदर उसने एक छोटा ही से चेंज की है शायद कि हमने शुरू में होमोजीनियस रॉड लिया था, होमोजीनियस रॉड की वजह से सी भी आपका कांस्टेंट था, केपा भी आपका कांस्टेंट था और रो भी आपका का, अब इसमें इन चीज़ों को एनी फंक्शन ऑफ एक्स ले रहा है, सी इज फंक्शन ऑफ एक्स,
हीट कैपेसिटी भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है, थर्मल कंडक्टिविटी भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है, होमोजीनियस राड नहीं है, लेदर डेंसिटी भी आधा राड एक मटेरियल का बना हुआ है, आधा राड फॉर एग्जांपल दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, कि दोनों की डेंसिटी वेरी करेगी, वेरी करेगी तो आपका वॉल्यूम वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा मैस वॉल्यूम कर वेरी कर गया है, ठीक है। तो उसमें ये फंक्शन ऑफ एक्स ले रही है कांस्टेंट के बजाय। अब आप इनको जब वो डेरिवेटिव वगैरह कैलकुलेट करोगे तो इनको बाहर डायरेक्ट नहीं ले सकते, इन पे भी वो ऑपरेटर ऑपरेट करोगे। तो तीसरे एग्जांपल आप ये देखते हैं जिनमें से ये तीन चीज़ें इसमें ना ना मुझे स्टार्ट कंसिडर करके वेरिएबल ले ली है। तो ये आपकी जो तीन चार मॉडल्स हैं हमने मेजर इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, टेलीग्राफ इक्वेशन हमने खुद पढ़ी थी, वेव इक्वेशन मैंने कराई है, हीट इक्वेशन कराई है, और इनकी कंपाउंड तीन चार एग्जांपल हमने कर लिए। स्लाइडली सा हमें फ्लेवर पता चल गया है कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना सिनेरियो हमें नॉन हो, वर्ल्ड की फॉर्म में हमें कहानी सुनाई जाए तो हम उसके मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप कोई बुक देख सकते हैं जिनमें सम टाइम पॉसिबल है, ये कंपाउंडिंग की मैं सवाल सुनता हूँ आपका, वहाँ कुछ और भी सिनेरियो आपको स्टेट किए होंगे तो उनकी मॉडलिंग भी जी आप बताएं। सर जब वेरिएबल्स हमारे पास इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज होगा इसका? नहीं नहीं, नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं इंक्रीज होंगी, हीट इक्वेशन ही होगी लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल डायमेंशन आप दो की करते हैं तो आपका यू के पार्शियल डेरिवेटिव जब फॉर्मूला ऑफ हीट कंडक्शन यूज करोगे तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स भी आएगा प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे भी आएगा। ही थर्मल कंडक्टिविटी डेंसिटी करोगे तो ये टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ किधर हूँ मैं, किस पेज पे किया हुआ था, यहाँ अब आप ये इक्वेशन 7 को 6 में यूज करोगे ना, फॉर एग्जांपल एक आपका के आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ के आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज कर जाती है, नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं करेंगे। इधर यूज करोगे जब तो यहाँ अब आप के आ गया है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, तो ये ऑपरेटर अब के भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ आप वो प्रोडक्ट रूल लगाओगे इस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए, पहले के का डेरिवेटिव पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स एज इट इज, फिर के कांस्टेंट पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, नंबर ऑफ टर्म यहाँ बढ़ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं बढ़ती इन जनरल, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है इक्वेशंस के अंदर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एरिया आप यहाँ एक्स का फंक्शन लेते हो ना यहाँ, तो ये आप दोनों में से कांस्टेंट नहीं ले सकते, ये लिमिट कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है डेल्टा एक्स का इस पर इफेक्ट हो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है ठीक है, इफेक्ट हो पॉइंट टू पॉइंट आपका एरिया वेरी कर रहा हो, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। अब ये है कि हमने तो मेजर अभी तक दो चैप्टर किए हैं, पहला तो इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने स्टडी किया है, तो एक मॉडलिंग का छोटा सा ये चैप्टर ऐसे किया है। अब हमारे पास चार मेजर चैप्टर रह गए हैं, एक है कैनोनिकल फॉर्म का शायद, एक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, ये सारे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आएंगे, और थर्ड वन है सॉल्यूशन ऑफ पीडी बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोर्थ वन है सॉल्यूशन ऑफ पीडी बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, इनको तो हम जरूर पढ़ना है और डिटेल से केयरफुली पढ़ना है। ऑलमोस्ट हमारा सेमेस्टर कोई आधे के करीब हो गया, अगर रमज़ान भी आ रहा है तो हम MSc की तो मैंने क्लास अरेंज कर दी है मंडे को 2 बजे, आपकी भी एक अरेंज करनी है, बिकॉज कि जब से ऑनलाइन आया तो 2 वीक हमारी क्लासेस नहीं हुई, एक वीक यूनिवर्सिटी ने आपकी, दूसरी वीक ज़ाहिर हमें वो टीम जनरेट करने में टाइम कुछ लग गया है तो नहीं हो सकी, तो वो एटलीस्ट दो क्लासें हमने अरेंज करनी है ना, तो ये पॉसिबिलिटी या हम संडे को इवनिंग में पढ़ लें या मंडे को 3-1 बजे पढ़ लें मेकअप क्लास। मंडे को सर हमारी 2 क्लासेस हैं, फर्स्ट और सेकंड स्लॉट, तो
फर्स्ट एंड सेकंड है ना, तो फिर जा रहे मैंने कहीं बाहर जाना है ना, इसलिए बाहर जाना है, मुझे काम है, तो हो सकता है मैं दो तक पहुंचू, इसलिए मैंने एमएससी वालों की 2 बजे रखी है। आप हैं BA 6 वाले, पहली दूसरी है तो इसका मतलब है 2 से 8 मिनट फ्री है ना, तो 3 से हम आगे पढ़ लेंगे घंटे एक क्लास, 3 से 4 ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे यकीनन वो ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं है तो वो तो वैसे भी हमारे साथ नहीं आते, तो 3 बजे मैं अनाउंस कर दूंगा मंडे को। ओके सर। एक ये तो फिर एक किसी और दिन कर लेंगे, रमजान में जरा मुश्किल हो जाएंगी, घंटा क्लास करनी पढ़ानी भी मुश्किल है, फिर रमजान में अरेंज करनी, तो हमें ये वीकेंड जो है मंडे तो रमजान से पहले मिल रहा है, फिर रमजान आ जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी चैप्टर बस इतना पढ़ना जितना पढ़ा अभी तक। क्या कह रहे हैं मोहम्मद हुसैन? सर मैं रिजवान हूँ। तो यही है ना, सारी मॉडलिंग आपने कर ली है, मेजर मैंने 3 मॉडलिंग आपको करा दी है इधर, और 2-3 आपने खुद कर ली है, ये पूरा चैप्टर हो गया ना। और अगर पढ़ना चाहे तो किसी बुक से पढ़ ले, एग्जाम में क्या पता ये मॉडलिंग आए या कोई और आ जाए, थोड़ी सी स्लाइडली सी चेंज होके भी आ सकती है। आ गया हुआ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आ गया? हाँ जी आ गया सर। चलो वो मैं देख लूंगा, ऑनलाइन में फिर पेपर थोड़ा सा ज़हर है, हमें आगे पीछे से कोई बनाना पड़ता है ना, अदरवाइज नोट से तो वो बच्चा जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो भी कर लेता है, आगे पीछे से बनाए तो एक बच्चा करता है व्हाट्सएप पूरी क्लास में कर देता है, हम इतने जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं, इतने सिंसियर हैं। तो से क्या होगा कि जिस बच्चे के ने जो ए डिजर्व करता है उसका भी ये है, जो ए डिजर्व नहीं करता उसका भी ये है, और जो ए डिजर्व करता है उस सिस्टम में उसका भी सी है, जो ए डिजर्व करता है या नहीं करता उसका भी सी है। तो सब बच्चों का पेपर ऑलमोस्ट वो पैटर्न, 2-3 डिफरेंट पैटर्न के साथ पेपर आ रहे होते हैं, ग्रुप्स में ये आप लोग काम करते हैं ना थोड़ा सा। हाँ जी सर, ये जो आपने इक्वेशन लिखवाई है 8 and 8 की, सर इसका इंटीग्रल अप्रोच करना है सर? इंटीग्रल अप्रोच कर दें, वरना ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे छोड़ दे बेशक इंटीग्रल अप्रोच को। ठीक है सर। हाँ एक ही की कराई इसने की है, तो वो बुक में की थी मैंने लिख दी इधर, वरना कोई नहीं कि हमें ये डिफरेंशियल अप्रोच होती है डेरिवेटिव की फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में होती है, इसमें स्मॉल पोर्शन है, इसमें पूरी लेंथ लेती है ना, अगर ए टू बी टोटल लेंथ है तो इंटीग्रल आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी, फाइन। तो ये ज़्यादा इजी अप्रोच होती है डिफरेंशियल अप्रोच, तो ये बस काम है। ठीक है, एक तो जो है मंडे को 3 बजे मेकअप क्लास होगी, ये सेशन कब से कब है बच्चे जिसको इन्फॉर्मेशन है? मुझे तो अभी मैंने ईमेल चेक करूंगा तो मुझे अंदाजा होगा। ऑनलाइन मिड टर्म एग्जाम फॉर स्प्रिंग, ये तो कुछ एक डायरेक्टर एकेडमिक्स की तरफ से आई है, देख लेंगे ना, जो डिपार्टमेंट ने जो डिसाइड किया हम तो जहर उसी पे फॉलो करना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर हुआ तो फिर जाहिर है वो मिड टर्म टाइप ही होगा, याद रखें, उसमें कोई रिटन एग्जाम भी हो सकता है, कोई वाइवा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, वाइवा थोड़ा सा ज्यादा वो रेशनल होता है कि हर बच्चे को अगर 10 मिनट मिलते हैं तो 10 मिनट से थोड़ा सा गैस हो जाता है कि बच्चे को कुछ चीजें आती हैं या नहीं आती, फाइन। मिड टर्म हुआ तो ऑनलाइन हुआ तो एक मिड टर्म होगा और साथ वाइवा भी होगा, हो सकता है कि मिड टर्म में सिर्फ वाइवा हो जाए, हो सकता है कि मिड टर्म में सिर्फ एग्जाम रिटर्न हो जाए, हो सकता है दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाए, तो आप मेंटली उस हिसाब से तैयारी करें
एक दूसरे के लिए वो बैठे ना कि उस बंदे ने कर कि मुझे व्हाट्सअप करना है। सम टाइम मुझे पिछली दफा व्हाट्सअप वो ईमेल तीसरे दिन चौथे दिन मिल रही है, और तीसरे चौथे दिन मिलने का मतलब है व्हाट्सअप या ईमेल इस मतलब इसने कहीं से किसी दोस्त को रिक्वेस्ट की या उसने भेजा है, इसने बैठ के तसल्ली से दो दिन घर से या भाई से या खुद लिख के मुझे भेज दिया, तो वो तो फिर कंसिडर नहीं हो सकता ना। ऑनलाइन जहाँ भी दुनिया में होता है एक फिक्स टाइम अलॉटेड, और ऑनलाइन अगर एवरेज 3 घंटे का पेपर है ना, तो ऑनलाइन में वो 2 घंटे का होता है कि बच्चे नकल काम से कम करें, जिसको आता है वो अपना काम करके बस सबमिट करें। तो जो सबमिट नहीं कर सकते तो ये बाहर मेरा नहीं ख्याल ये व्हाट्सएप वगैरह कोई एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन हम फिर भी बच्चों को रिलैक्स कर देते हैं यार चलो उधर किसी वजह से जा रहे हैं, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, बलूचिस्तान वाला बच्चे के पास इंटरनेट है ही नहीं, उसे खुल ही नहीं रही फाइल, वो क्या करेगा, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। फाइन, तो आपने वो जेन में रखना है कि पॉसिबल है कि आपका ये ओरल एग्जाम भी हो जाए, वाइवे में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बंदे को पता चल जाता है कि इस चीजों का ग्रेजुएशन फेयर हो जाती है, जो बच्चा ए डिजर्व करते है सेम मिले, जो एफ डिजर्व करते है सेम मिले, तो सबको सिर्फ डीडी में पास करने का नुकसान किसको होता है, टीचर को होता है या जो ए डिजर्व करते है से होते हैं, वरना तो एग्जाम ना भी लो तो बस वो थोड़ा सा सही नहीं है ना, वो फिर इंसाफ नहीं होता ना उस बच्चे के साथ जो मेहनत कर रहा है, उससे फिर जा रहा है दुख होता है कि मेहनत करके भी उसे डी मिल रहा है, तो जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की